हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, हमारी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग आ चुके हैं अब हमारे चैप्टर नंबर 10 पर। जी हाँ, मतलब हमने सप्लाई और उससे पहले के सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म ऑफ मार्केट को। बेटा, फॉर्म ऑफ मार्केट को जब आप डिस्कस करने चल ही रहे हैं तो सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल होगा कि मार्केट से आप क्या समझते हैं, मार्केट होती क्या है। ज़्यादातर लोगों को मार्केट ही क्लियर नहीं है। वो अगर आप कभी किसी से सवाल पूछे ना, व्हाट इज़ मार्केट, या आप मार्केट से क्या समझते हैं, तो वो कहेंगे जहाँ पर कोई सामान बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो आप यहाँ पर उसको काउंटर कर सकते हैं कि मान लो मेरे घर के बाहर एक ठेले पे एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है और मेरे घर के बाहर के 10-12 लोग वहाँ खरीद रहे हैं, तो क्या वो मार्केट बन गई? तो उसका जवाब ऑटोमेटिकली गलत हो गया या नहीं हो गया। तो अगर हम बात करें मेरे बच्चे मार्केट की, किसकी मार्केट की, तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट एक टर्म है जो सिंपली सी ये बताना चाहता है आपको, मार्केट इज अ प्लेस वेयर सो मैनी बायर सो मैनी सेलर ऑफ डिफरेंट गुड्स इंटरेक्ट ईच अदर टू सेल एंड परचेज ऑफ अ गुड्स एंड कमोडिटी। क्लियर है बात? मतलब मार्केट एक जगह है जहां पर बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी, आप लोग कभी मम्मी पापा के साथ अगर गए हैं तो उस क्षेत्र में वहां जितने भी सब्जी वाले ही आपको दिखेंगे और कितने सारे लोग होंगे जो सब्जियां खरीद रहे हैं, हाँ या ना? अगर उस क्षेत्र में वहां पर कोई एक ज्वेलरी की शॉप खोल लेता तो क्या वो ज्वेलरी मार्केट भी बन जाएगा? वो रहेगा तब भी सब्जी मंडी। लेकिन जैसे एक सराफा बाजार, हर किसी शहर में अपना सराफा बाजार होता है, अब उस क्षेत्र में जब आप आओगे तो वहां सब्जी वाले भी होंगे लेकिन वहां मेजोरिटी ऑफ शॉप्स जो होंगी वो ज्वेलरी की होंगी, इसीलिए उसका नाम ज्वेलरी मार्केट या सराफा बाजार पड़ा है। अब चमड़े की बात करें तो एक समय था यूपी का कानपुर चमड़े के लिए सबसे ज्यादा फेमस था, हाँ या ना? तो मतलब कि चमड़े का मार्केट अगर कोई सबसे ज्यादा कहीं पाया जाता तो वो कहां था? कानपुर था। कानपुर की बेल्टें, लोग फोन करे भाई कानपुर से आना तो यार बेल्ट लेते आना, है या नहीं? ये क्या है? ये एक तरीके से डिस्टिंग्विश करता है कि मार्केट कैसी है और मार्केट बनती कैसे है। एक्चुअल में मार्केट दो टाइप की होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए जरा समझिए, फॉर्म ऑफ मार्केट को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो डिफ्रेंसिएशन समझना पड़ेगा किसमें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बेटा, जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको तीन मार्केट को समझना पड़ेगा। एक होती है मोनोपोली, क्या होती है बेटा? दूसरी होती है ओलिगोपोली और तीसरी होती है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, ये तीन हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बेटा, अगर कोई मार्केट ऐसी है जिसके बारे में बायर को परफेक्ट नॉलेज है, उस प्रोडक्ट को बायर बहुत अच्छे से जानता है, वो इंडिया के किसी भी कोने में अगर उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे सेम अमाउंट पे करना पड़ता है, हाँ या ना? और कोई भी उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता उस प्रोडक्ट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम मैगी का। बेटा, आप मैगी का छोटा वाला पैकेट जो आता है 12 रुपए वाला, कानपुर में लो, दिल्ली में लो, बॉम्बे में लो, एमपी में लो, कहीं भी लो, मैगी का छोटा पैकेट 12 रुपए का आता है तो आपको 12 का ही पड़ेगा, हाँ या ना? कहीं अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, कानपुर में मैगी और उसके अंदर मसाला भी मिल रहा है और मध्य प्रदेश में जो मैगी मिल रही है उसमें मसाला नहीं हो रहा, मसाला अलग से खरीदो? ऐसा नहीं हो सकता ना। सबको पता है, अगर कोई शॉपकीपर ऐसा कहता है कि भैया आपको मसाला मैगी मसाला अलग से लेना पड़ेगा, पाउच पैकेट में नहीं आता, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बायर को परफेक्ट नॉलेज है। पागल वागल हो क्या, हर जगह मिलता तुम्हारी मैगी स्पेशल है, दूसरे इसमें नहीं है, है या नहीं? आप इस तरीके से उसको काउंटर कर सकते हो। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सबसे पहला ये चीज है कि प्राइस में चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म रहेगा प्राइस, कहीं से भी आप वो मान लीजिए। दूसरा, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होगी, कैसी नॉलेज होगी? और तीसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील किया जाता है। ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं। अभी हम इसको अभी पॉइंट में समझेंगे तो और डीप जाएंगे, लेकिन ये तीन बेसिक कंडीशन है जो क्लासिफाई करती है कि ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब जैसे आप मानिए, आपके आसपास में अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको परचून की दुकानें दिखेंगी,
अब आप किसी भी परचून की दुकान पे जाके आटे का रेट पूछो, बेटा ब्रांड ने एक नॉर्मल आटे की बात कर रहा हूँ मैं, बेटा अगर नॉर्मल आटा 22 रुपये प्रति किलो बिक रहा है तो कहीं से भी ले लीजिए 22 रुपये प्रति किलो बिकेगा, हाँ या ना? भले ही आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाके आटा लेके आओ, वो 22 रुपये का ही देगा, देगा या नहीं देगा? सेम अगर आप मान लो रिफाइंड को ले लीजिए, आपके यहाँ सफोला का रिफाइंड आता है, जितने का कॉस्ट आपको आपके घर के बगल वाला अगर कोई परचून पे है वो सफोला देगा, वहीं आपके एरिया में आपकी सिटी में किसी भी शॉप से लीजिए वो सेम रेट पर ही मिलेगा, हाँ या ना? मतलब क्या है कि यहाँ पर MRP से ऊपर नहीं लिया जा सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही प्राइस होता है, क्लियर है? अच्छा, इम्परफेक्ट में क्या होता है? इम्परफेक्ट में सबसे पहली चीज़ तो प्राइस में ही डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, प्राइस कभी भी सेम नहीं रहता। अब जैसे आप फ़ोन लेने खरीदने जाएंगे, आपने गए अपने घर मोहल्ले में कोई शॉप थी मोबाइल वाला, उससे पूछा भैया MI का नया फ़ोन कितने का है, MI 10 की सपोज हम बात करें, उसने कहा बेटा आपको 24,000 का पड़ेगा। आप थोड़ा और गए जहाँ होलसेलर है, वो मोबाइल की ही मार्केट है, वहाँ जाके आपने पता किया तो वो आपको 21,000 में दे रहा है। आपने ऑनलाइन देखा तो आपने कहा अरे ये तो 20,500 में मिल रहा है या नहीं? तो ऐसी मार्केट जो होती है वो इम्परफेक्ट होती है। अच्छा, इस मार्केट में बायर को प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं होती है। अब आप मिल्क की बात करें तो वो परफेक्ट मार्केट में आया, क्योंकि सभी को पता अमूल दूध, नमस्ते इंडिया, सबके टाइप पता है। आप अगर कहीं से जाओ नमस्ते इंडिया लेने जा रहे हैं, वो कहेगा नहीं यार अमूल लेके आओ, है या नहीं? या अमूल वाले जिनको अमूल नहीं पसंद है वो कहेंगे भाई नहीं नमस्ते इंडिया लेके आओ, सबको क्वालिटी पता है। लेकिन जब आप इस मार्केट में आते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट बेसिस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एडवर्टीजमेंट बेसिस पे। और जब बेटा एडवर्टीजमेंट बेसिस पे होता है तो वही बात है, गंजे के बाल लगाए हमारा तेल जरूर आजमाएं, है ना? मैं लोखंडे, अखिल लोखंडे आपने देखी है एंटरटेनमेंट, उसमें पहले मैं ऐसा था फिर मैंने ये खाया और आज देखिए मैं ऐसा हो गया हूँ, एंड्यूरा मास्क का ऐड ले ली, ये सब एडवर्टीजमेंट बेसिस पे, उसमें साइड में लिखा होता है TNC अप्लाई, है या नहीं? तो ये थोड़ी कि आप बिल्कुल भुजंग काले आदमी है, रातों रात कोई आया TV पे मैं पहले ऐसा था मैंने ये क्रीम लगाई अब मैं बिल्कुल गोरा हो गया चांद बन गया हूँ, बेटा ये सब फेक मार्केटिंग होती है और लोग खरीदते भी हैं, हाँ या ना? इसीलिए अभी इसी कारण से तो फेयर एंड लवली ने अपना नाम बदला है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से बता रहा था वो ये कह रहा था कि मतलब आप काले हैं तो अच्छे नहीं हैं, आप फेयर एंड लवली लगाइए गोरे हो जाएंगे तो अच्छे हैं, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए। तो इस मार्केट में ज़्यादातर लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किस पे खरीदते हैं? एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे खरीदते हैं। अब लड़के फेस वॉश लेने जाते हैं, लड़कों को कुछ नहीं पता होता कौन सा इंग्रेडिएंट क्या, वो TV में ऐड आता है गार्नियर मैन फेस वॉश, लड़े 6 साइंस ऑफ एजिंग। अब भाई साहब गार्नियर वाला दो यार, उसमें पिंपल नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम सभी कहीं ना कहीं करते हैं, क्यों? हमने एडवर्टीजमेंट में देखा और हम उसी पे कैरीड अवे होकर और हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, क्लियर है? परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में डिफ्रेंशिएशन क्लियर है आपको? ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा पहले समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन के फीचर क्या हैं। फीचर तो बेटा सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, किसका? परफेक्ट कंपटीशन का, तो सबसे पहला फीचर जो हमें कहता है, ये कहता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। बेटा मतलब आपके मन में आया, आपने देखा सामने वाले ने परचून की दुकान खोली है, भाई साहब साल भर बाद उसने 4-व्हीलर खरीद ली, अब आप भी परचून की दुकान खोल के बैठ गए, तो क्या आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है अपने घर के नीचे परचून की दुकान खोलने के लिए? क्या आपको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये दुनियादारी, ये भाग दौड़, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? नहीं। मन में आया खोल ली, नहीं चली 2-3 महीने देखा मन में आया बंद कर दी, क्लियर है या नहीं? तो मतलब जब चाहे आप इस मार्केट में आ सकते हैं और जब चाहे आप इस मार्केट से दफा हो सकते हैं, क्लियर है? ये कहलाती है परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे फीचर की, तो बेटा इसका दूसरा फीचर हमें क्या बताता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बट प्रोडक्ट सोल्ड ऑन स्मॉल स्केल। बेटा प्रोडक्ट जो बेचा जाता है वो स्मॉल स्केल पे बेचा जाता है। स्केल का मतलब एक बात समझिए, आपके घर के बगल में जो परचून की दुकान है आप अगर उससे जाके पूछें तो वो बताएगा कि उसके यहाँ पर ब्रेड के जो हैं डेली के 50 कस्टमर हैं मैक्सिमम, अगर कोई ब्रेड खरीदता है तो 50 पीस पैकेट उसके दिन भर में बिक जाते हैं, तो वो 50 से ज़्यादा खरीदेगा क्या? नहीं। लेकिन जो कंपनी है वो तो कितने बना रही होगी, हाँ या ना?
दिन भर में क्या 50 प्रोडक्ट बना के ब्रिटेनिया सर्वाइव कर पाती मार्केट में? नहीं। तो यही बताता है क्या, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, लेकिन जो इंटरेक्ट हो रहे हैं ये स्मॉल स्केल पे हो रहा है। बेटा आपके यहाँ दूध आता होगा, अगर हम बात करें मैक्सिमम एक इंडिविजुअल के कितने लीटर दूध आ सकता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, घर में लोग नहीं नाग रह रहे हैं, सिर्फ दूध पे ही जिंदगी चल रही, तो 5 से 7 लीटर है ना, इससे ज़्यादा क्या पर डे लीटर दूध कंज्यूम किया जा सकता है किसी भी घर में एक दिन में? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आंसर होगा, है या नहीं? तो मतलब ज़्यादा बड़े स्केल पे प्रोडक्ट में डीलिंग नहीं हो रही है, सब स्मॉल स्केल छोटे छोटे लेवल पे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ले रहे हैं। अब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू बोरा खरीद के लाते हैं क्या सब्जी मंडी से, 2 किलो 3 किलो बोरा खरीद के लाके क्या फायदा, चूहे कुतर जाए, रखे रखे सड़ जाए, वेस्टेज है या नहीं? जब खत्म हो जाएगा फिर ले लेंगे यार, कौन सा दुनिया में आलू का अकाल पड़ रहा है। तो ये हमेशा परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर रहता है। दूसरे फीचर की अगर हम बेटा बात करें, तीसरा फीचर जो हमारा रहेगा वो रहेगा परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। बेटा जो कंज्यूमर रहेगा उसको प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज रहेगी। अब मान लीजिए 5 साल का बच्चा मैगी लेने जाएगा दुकान पे, अगर सपोज 5 के 8 साल का बच्चा, थोड़ा सा बड़ा कर लो, वो मैगी लेने जाएगा तो क्या उसे 15 रुपए की मैगी मिलेगी 12 वाली? क्यों? क्योंकि वो छोटा है, दुकान वाला सोचेगा इसे क्या पता, इससे 15 रुपए ले लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो घर की अम्मा लड़ने चली जाएंगी उससे, दुकान से गिरा गिरा के मारेंगी, हमारे बउआ को तुम बेवकूफ़ समझो का, है ना, ऐसा थोड़ी है, उसे भी 12 की ही मिलेगी। अब घर का सबसे बड़ा आदमी मैगी लेने जाएगा तो उसे भी बेटा 12 की एक ही मिलेगी, ऐसा थोड़ी कि उसको 12 की 2 दे देगा डर के मारे, नहीं ये बड़े हैं। प्राइस और क्वांटिटी जो एक छोटे बच्चे को मिलेगी उतनी ही उस प्राइस में सेम क्वांटिटी एक बड़े को मिलेगी, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में सबको परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और इसमें ये चीजें हैं, हाँ या ना, क्लियर है? इसमें अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे होते हैं इस मार्केट में? होमोजीनियस होते हैं। अब आपको अमूल का दूध नहीं पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, नमस्ते इंडिया ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, और अगर वो भी नहीं पसंद है तो आप ओपन चट्टे वाला दूध ले लीजिए। वैरायटी अवेलेबल है या नहीं? होमोजीनियस मिक्सचर जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, आइडेंटिकल, वैसे ही यहाँ प्रोडक्ट सेम रहते हैं। अब ब्रेड है, आप अमृत ताज़ा ले लो, ब्रिटेनिया ले लो, और आपका मदर डेयरी की ब्रेड आती है अगर तो उसकी ले लो, किसी की आइसक्रीम ले लो, वाडी लाल ले लो, कौन, और तुम्हारा क्रीम बेल ले लो, है ना, क्वालिटी वॉल्स ले लो, सबकी आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, फ्लेवर में अलग हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट तो अलग नहीं है ना, उसका नाम आइसक्रीम है और उसका नाम क्रीम आइस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हेम क्लीम। देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम पांचवे प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत लो होती है। क्या होती है? लो, क्या कहते हैं उसको? लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मेरे बच्चे अगर आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो इस मार्केट में बहुत लो होती है। जैसे एक बात समझिए, आप सुबह सुबह निकले और बगल में जाके आप दूध का पैकेट लेके आ रहे थे, उसने पूछा, आपका वहाँ पे एक फ्रेंड मिला सपोज, वो दूर कहीं रहता है आपके घर से 15-20 किलोमीटर दूर, वो आया आपसे पूछा, भाई कितने का दूध मिला तुमको? तुमने कहा भाई 56 रुपये लीटर देते हैं ये अंकल। कहता अरे पागल हो क्या, हमारे चाचा की दुकान से लिया करो, वो 55 रुपये लीटर में देते हैं। अच्छा, तुमने कहा भाई कहाँ है तुम्हारे चाचा की दुकान? उसने कहा भाई वो 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तुम उसको ऐसे देखो, मूर्ख हो क्या भाई, हम 1 रुपया बचाने के लिए 25 किलोमीटर जाना प्रेफर करेंगे क्या? दूध ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर ले लेंगे यार, तो 5 लीटर पे 5 रुपये बचेंगे, इससे ज़्यादा का तो आज के समय में पेट्रोल लग जाएगा आने जाने में, है या नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? बिल्कुल लो रहती है। बेटा जब भी आपसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूछे तो आप परफेक्ट कंपटीशन को जो मैंने बताया है उसको एक्सप्लेन करिए और ये 5 पॉइंट फीचर में लिखाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक बार इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अगली मार्केट जिसका नाम है मोनोपोली के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनोपोली मार्केट क्या होती है, क्लियर है? अब देखिए मोनोपोली को समझना है तो सबसे पहली चीज आपको इस मार्केट में जो समझनी चाहिए क्या, सिंगल सेलर। बेटा इस मार्केट में जो भी फर्म होगी वो सिंगल सेलर होगी। इस मार्केट को इसीलिए एकाधिकार मार्केट भी कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है?
सिंगल, इसीलिए इस मार्केट को एकाधिकार मार्केट भी कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर उस कंपनी के अलावा या उस फर्म के अलावा वो प्रोडक्ट कोई और बेच ही नहीं सकता है। क्लियर है? अब बेटा अगर आप इंडिया में बात करें तो रेलवे भारत सरकार रेल मंत्रालय के अलावा कोई और चला सकता है क्या? सोचो अंबानी जी अपनी पर्सनल ट्रेन चला रहे हैं, अभी दो चार प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो क्या प्राइवेट में कोई ट्रेन चला पाता था? किसी की हिम्मत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, सरकार के अलावा कोई और रेलवे नहीं चला सकता। अब हम एटॉमिक एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर बम की बात करें, तो क्या कोई भी अपनी मर्जी से न्यूक्लियर बम बना लेगा? लोग घर घर में न्यूक्लियर बम बना, बेटा उसमें भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। क्लियर है या नहीं? अब जैसे अफीम की खेती होती है, ओपीएम नाम सुना है? अगर कहीं पर भी ओपीएम खरीदा या बेचा जा रहा है तो उसकी जो मार्केट है या जो उगा रहा है वह मार्केट पूरी पूरी गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। सरकार ने उसे लाइसेंस दिया है कि वो खेती कर सकता है अफीम की, लेकिन मेन हेड कौन है मार्केट का यहाँ पर भी? गवर्नमेंट। तो ओपीएम की खेती में, मेडिसिन में, ड्रग्स में ये सब यूज होता है, तो इसमें भी सरकार की मोनोपोली है। क्लियर है बात? दूसरी चीज अगर हम बात करें, सिंगल सेलर हो गया। दूसरा बेटा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। बेटा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई और बना ही नहीं सकता मेरे भाई। जब कोई और मेरे बच्चे उस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकता, उसके जैसा नहीं बना सकता, तो बेचेगा कैसे? हाँ या ना? क्लियर है? इसीलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। इसी के साथ अगर आप तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें तो इसको कहा जाता है प्राइस मेकर विथ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बेटा बाधा। क्या होता है? बाधा। बाधा कैसी? और प्राइस मेकर क्या? जैसे अभी हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या समझा कि कहीं भी लीजिए प्राइस सेम रहेगा। मतलब कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म या जो शॉप्स डील कर रही हैं वो प्राइस टेकर हैं, वो प्राइस टेकर हैं। लेकिन मोनोपोली में अगर कोई है, अब एक बात समझो, मैं अकेला बनाने वाला, मैं अकेला बेचने वाला और मेरे अलावा ये प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच सकता, तो मैं जो चाहे वो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? तो मैं क्या हो गया यहां पर? प्राइस मेकर। क्या हो गया मेरे बच्चे? प्राइस मेकर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक लॉ ऑफ डिमांड भी तो है। क्या? कि अगर प्राइस बहुत हाई होगा तो डिमांड बिल्कुल जमीन चाट जाएगी। हाँ या ना? तो मेरे पास रिस्क है क्योंकि सरकार ने या जहां से भी मुझे मोनोपोली मिली है वहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम होगा, तभी तो हमें मिली है, लाइसेंस होगा कि इसके अलावा कोई नहीं बेच सकता। तो लाइसेंस में मेरे पास आता है रिस्क ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस। क्या? कि अगर ये सामान इस साल के अंदर नहीं बिका तो उसके बाद वो कबाड़ हो जाएगा क्योंकि उसे मैं नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हमारे पास ये क्या बन गई? कॉन्स्टेंट। कि हम वो प्राइस डिसाइड करेंगे जिस पर लोग सामान को खरीदना चाहें और खरीद सकें। क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि मन में अब ये मार्कर है, मैंने कहा मैं 1,00,000 का बेचूंगा जी, कोई नहीं खरीदेगा, और एक साल के बाद मान लो 1 साल का मेरा लाइसेंस है ये मार्कर बेचने का सपोज, तो ये तो बेकार हो गया। हाँ या ना? इसीलिए प्राइस मेकर कहा जाता है, लेकिन विद कॉन्स्टेंट। फर्म कैन डिसाइड द प्राइस वॉट एवर दे कैन वॉन्ट, बट इफ द प्राइस इज टू हाई द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी वेरी लो एंड द रिस्क ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस विल सफर अ ह्यूज लॉस बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा लॉस सफर करेगा रिस्क ऑफ ऑब्सोल्यूटनेस के कारण। हाँ या ना? क्लियर है मेरे बच्चे? अगले पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। पूछिए क्यों होता है मेरे भाई? जब प्राइस डिसाइड करने वाला मैं हूं, है ना, अब मेरे पास कोई आया, मैंने कहा भाई ये एक प्रोडक्ट चाहिए, कितने का है? मैंने कहा 500 रुपए का। उसने कहा कुछ कम ज्यादा? हमने कहा नहीं हो सकता। वहीं एक दूसरा कस्टमर आया और मेरे अलावा वो माल कहीं बिक नहीं रहा, कोई बेच ही नहीं सकता क्योंकि मेरी मोनोपोली है। अब वो आके कहता है भाई साहब 100 प्रोडक्ट एक साथ चाहिए। अच्छा, मुझे भी तो माल क्लियर भी तो करना है साथ ही साथ, है या नहीं? मैंने कहा भाई साहब 450 का लगा देंगे, लेना हो तो लीजिए। उसने कहा अच्छा 200 लेंगे? मैंने कहा यार चलो 400 दे देना।
है या नहीं? मतलब जब बल्क में ऑर्डर मिलेगा, जब बल्क में ऑर्डर मिलेगा मेरे बच्चे, तो मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि प्राइस रिजिडिटी इस मार्केट में नहीं है। एक आदमी को मैं कुछ और प्राइस पे बेच रहा हूँ, दूसरे आदमी को मैं किसी और प्राइस पे बेच सकता हूँ, क्यों? आई एम द प्राइस मेकर इन मोनोपोली। क्लियर है बात बेटा? इसके बाद अगर हम बात करें छठे पांचवे पॉइंट की, तो रहता है बैरियर टू एंट्री। बेटा यहां पर एंट्री बाधित होती है। पूछे क्यों बाधित होती है? क्यों? क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम होता है, और जब सरकार या कोई भी अथॉरिटी एक पर्सन को लाइसेंस दे चुकी है, तो सेम प्रोडक्ट का वो लाइसेंस आपको नहीं देगी। क्लियर है? डाउट है? एक बार इसके पॉइंट को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मार्केट, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेटा जब आप बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो इसमें एक चीज याद रखिए, ये वह कंपनीज होती हैं जो बहुत लार्ज स्केल पे डील कर रही हैं। किस पे डील कर रही हैं? लार्ज स्केल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे बड़े बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, है ना? जैसे अगर आप मोबाइल के सेगमेंट में आए, तो आपका एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया, एम आई हो गया, Realme हो गया, ये सब बड़ी कंपनी है या नहीं? ये बड़े बड़े प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, और इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट 5-10 हज़ार से ऊपर ही रहने वाली है। क्लियर है बात? तो अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, तो सबसे पहला आएगा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बेटा यहां पर बायर भी और सेलर भी अगर हम बात करें, कैसे होंगे? लार्ज नंबर पे डील कर रहे होंगे, और प्रोडक्ट भी लार्ज स्केल पे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा? लार्ज स्केल पे। अब बात समझिए कैसे। परफेक्ट कंपटीशन में जैसे हम लोगों ने समझा, जो भी कंपनियां डील कर रही थी वो स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट में डील कर रही थी, लेकिन बेटा यहां पर जो कंपनियां डील कर रही हैं, ये लार्ज स्केल पे डील कर रही है। जैसे अब मान लीजिए टीवी की बात कर लेते हैं, तो टीवी बनाने वाली तो कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन टीवी महंगे आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ या ना? इसीलिए ये लार्ज स्केल पे है। किस पे? लार्ज स्केल पे। दूसरा बेटा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहां भी होती है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन से काफी हद तक रिलेट करेगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बेटा मन में आया कंपनी खोल ली, मन में आया कंपनी बंद कर दी, लेकिन एक चीज मैंडेटरी है, क्या? बट रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट इज मैंडेटरी। बेटा रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, उसके अलावा कोई और बाउंडेशन या कोई और तिगड़म इसमें नहीं है। आप कंपनीज एक्ट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराइए और अपने प्रोडक्ट को आराम से बेचने लग जाइए। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम आगे बढ़ें और हमारा अगला पॉइंट अगर हम समझें, तो यहां पर आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहता है, वो रहता है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब बेटा आप एक बात समझो, आपने एक बढ़िया 55 इंची 1.5 लाख रुपए का टीवी खरीदा। अभी तक क्या होता, आप जैसे दूध लेने का, तो दूध क्या है, स्कूटी की डिग्गी खोली, रखा, डिग्गी बंद करी, घर 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 ले आए। लेकिन अब सोचो आप जो 55 इंच का टीवी, वो ऐसे ही ले आओगे क्या? एक आदमी को पीछे पकड़ा दिया, आओ भाई चले स्कूटी से घर, आप एक्सीटर ले रहे, पीछे आदमी उड़ता जा रहा है, अरे बाबर है या नहीं? ऐसा तो नहीं कर सकते ना उसमें। क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा, आप बकायदा रिक्शा वाला, ऑटो वाला, टेम्पो वाला किसी को रोकोगे, उससे बात करोगे कि भैया साइड से अच्छे से फोम वगैरह लगा के बांध के धीरे धीरे लेके चलो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, हाँ या ना? उसको आप 500-600 रुपए भी दोगे। और यहाँ यही मेन रीज़न है कि जो भी आइटम है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो आप उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करके अपने घर तक ले जाना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बेटा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो रहता है, वो रहता है इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बेटा इसमें ज्यादातर
कस्टमर जो भी प्रोडक्ट खरीदने जाता है उसे नॉलेज नहीं होती है। आप लोग फोन लेने जाते हैं शॉप्स में, फोन वाला सील पैक डब्बे नहीं खोलता, उनके पास डमी होते हैं, हाँ या ना, वो आपको देता सर ये सेम ऐसा फोन होगा, आप देख लीजिए, पसंद आए तो बताइए, हम बॉक्स को खोल देंगे, अन्यथा सील पैक रहेगी। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ आप एडवर्टीजमेंट को देख के, आपने उसका एड देखा और आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, हमें यही फोन लेना है, भाई साहब कैटरीना कैफ ने क्या फोटो खींची, कितनी खूबसूरत फोटो आ रही है, बोर के इफेक्ट है, 45 मेगापिक्सल कैमरा, बस अब तो यही लेना है पापा, आप जिद करने लगे। आप कैसे कैरीड अवे हुए बेटा? आप कैरीड अवे हुए एडवर्टीजमेंट से, और आपको प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी ने बोला भाई बहुत बढ़िया फोन है, हमने ऐड देखा था, उसका क्या कैमरा है यार, लाजवाब, बिल्कुल बिंदास, बेहतरीन। आप प्रोडक्ट को हकीकत में नहीं जानते, आपने फिजिकली प्रोडक्ट नहीं देखा, लेकिन अगर कोई आपसे रिव्यू मांग रहा है तो आप धमाधम रिव्यू दे रहे हैं, नहीं तो आप किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल गुरुजी, ट्रैक एंड टेक, किसी की आपने वीडियो देखी, उसने रिव्यू बताया। बेटा सबके प्रेफरेंसेस चीज़ों को लेकर अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है। हो सकता है जो फ़ोन किसी गेमर के लिए बहुत अच्छा है वही फ़ोन किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत ही घटिया है, और जो फ़ोन किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है वो फ़ोन किसी गेमर के लिए बहुत घटिया है, हाँ या ना, क्लियर है बात? तो इसको कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्लियर है भाई? एडवर्टीजमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है, और यही एक कारण है इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट इज आल्सो वेरी हाई। बेटा इस मार्केट में जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो भी बहुत हाई होती है, क्लियर है मेरे बच्चे? मतलब अब देखो जब आप ऐड करवाओगे तो ऐसे ही चलते फिरते किसी चपड़गंजू से थोड़ी करा लोगे, आप किसी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करोगे, हाँ या ना, किसी बड़े यूट्यूबर को कराओगे, किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को ऐड मिलोगे, या किसी टीवी एक्ट्रेस, मॉडल, फिल्म स्टार, किसी को भी ऐड मिलोगे, वो फ्री में नहीं करेंगे, हाँ या ना बेटा? उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना घटिया है, आपके प्रोडक्ट में क्या है। आप कह रहे हो गंजे के सिर पे बाल उगाएगा, हमारा तेल इतना अच्छा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या चाहिए? पैसा। उन्हें कंपनी पैसा देगी और वो कहेंगे देखिए मैं पहले गंजा था और फिर मैंने ये तेल लगाया, अब मेरे सिर पे बाल ही बाल है, है नहीं? उनको क्या है? पैसे से मतलब है, और कंपनियां सेलिंग कॉस्ट पर ही चल रही हैं। अगर आपने अभी शार्क टैंक देखा हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप वाले लोग जिनके स्टार्टअप चल रहे हैं वो आए, उनका मार्जिन जीरो था, क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू 30% 40% मार्जिन कमा रहे हैं, लेकिन वो कहां लगा रहे हैं उसको? मार्केटिंग में, है या नहीं? तो लोग मार्केटिंग तो बहुत करते हैं और मार्केटिंग से ही हमारी सेलिंग कॉस्ट आती है। लोग एड के कैंपेन रन करा रहे हैं कस्टमर को टारगेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पर। आप लोग देखते हैं कभी कभी, आप फोन रखिए अपना, आपका फोन आपकी हर एक बात सुन रहा है, आप सर्च करो यार हम बुलेट लेने की सोच रहे हैं, बेटा हार्डली आधे घंटे के अंदर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना और उस पे आपको वो ऐड दिख जाएगा। वो क्या है? क्योंकि वो कंपनियां यही चीज, अब आपके माइक ने यूट्यूब ने बुलेट सुना, उसने ये भेजा कि इस फोन में इस क्षेत्र के इस बंदे को बुलेट लेनी है, लोगों को पता चल गया और उसी के रिलेटेड ऐड आपसे सर्च करता है ना किस टाइप के ऐड आप देखना पसंद करेंगे, और वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड दिखाता है। और ऐड फ्री में नहीं चलते, ये हम सबको पता है, तो कंपनियां लाखों करोड़ों क्यों फूंक रही हैं ऐड पे, सेलिंग कॉस्ट पे, तो ये है, क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें छठे पॉइंट की बेटा, तो इस कंपनी में या सॉरी इस टाइप ऑफ मार्केट में शिएटेड प्रोडक्ट, बेटा जो प्रोडक्ट होंगे डिफ्रेंशिएटेड होंगे, प्रोडक्ट अलग होगा लेकिन क्लोजली रिलेटेड होगा, बट क्लोजली रिलेटेड। बेटा आप एक बात समझो, आईफोन भी मोबाइल है, वन प्लस भी मोबाइल है, लेकिन वन प्लस फेस अनलॉक, फिंगर अनलॉक और अगर कहीं और से अनलॉक हो सकता हो तो वो भी देने को तैयार है, और आईफोन क्या कहता है, या तो हम अंगूठा देंगे या हम फेस आईडी देंगे, है या नहीं? प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड है लेकिन डिफरेंस बहुत है, वो एंड्रॉइड पर रन कर रहा है, वो iOS पर रन कर रहा है। आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा आसमान छू देता है और यहाँ बहुत सी कंपनियाँ 108 100 मेगापिक्सल ले आई हैं, वो बिल्कुल ही घटिया है या नहीं? क्लियर है बात? डाउट है? तो ये थी हमारी मोनोपोलिस्टिक, इसके ये 6 पॉइंट आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मार्केट जिसको नाम दिया गया है ओलिगोपोली मार्केट। कैसी मार्केट? ओलिगोपोली। अब बेटा ओलिगोपोली का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब होता है डोमिनेंट, ओलिगो का मतलब होता है डोमिनेंट, और पोली का मतलब होता है सेलर। मतलब इस टाइप की मार्केट में पहली चीज तो फ्यू सेलर होंगे। कैसे सेलर होंगे? कुछ ही कंपनियां या कुछ ही कंपनी इस टाइप की इंडस्ट्री में डील कर रही,
हैं उसको कहा जाता है फ्यू डोमिनेंट सेलर। अच्छा डोमिनेंट क्यों लगा रहे हैं बेटा? डोमिनेंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस टाइप की मार्केट में जो कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनका रेवेन्यू चल रहा है मार्केट शेयर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मार्केट शेयर के। और अगर कोई नई कंपनी इस मार्केट में एंटर करेगी तो उनके मार्केट शेयर को ही तो कैप्चर करेगी, और जब उनके मार्केट शेयर को कैप्चर करेगी तो जो पुरानी कंपनियां हैं उनको लॉस होने लगेगा, और वो उस कंपनी को भगाने के लिए या कहिए खाने के लिए कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन यानी कि गला काटने वाला कॉम्पिटिशन, क्या कि वो प्राइस वॉर में आ जाएंगे, प्राइस राइवलरी क्रिएट हो जाएगी कि वो अपने प्राइस को इतना लो कर देंगे लॉस में बेच लेंगे कुछ समय। क्यों? क्योंकि वो पहले से मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं और उन्होंने पहले काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा बना रखा है, पर आप एक न्यू इंटेंट है और आप उस लेवल के लॉस को नहीं झेल सकते हैं, वो लॉस में माल बेच लेंगे। क्या आप लॉस में माल बेच पाएंगे? हाँ या ना? एक और समय ऐसा आएगा तो आप जाके सरेंडर कर देंगे, माई बाप या तो आप हमें खरीद लीजिए या हमें क्षमा कीजिए, हम कंपनी बंद करके जा रहे हैं। हाँ या ना? तो ऐसी मार्केट या ऐसी फॉर्म इंडस्ट्री जहां काम करती है वो कहलाती है ऑलिगोपोली मार्केट। क्लियर है मेरे बच्चे? सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा? फ्यू डोमिनेटेड फॉर्म और सेलर। बेटा यहां जो भी सेलर या फर्म है वो डोमिनेट नेचर का है, सामने वाले को टिकने नहीं देगा। क्लियर है बात? न्यू इंटेंट को इस मार्केट में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बेटा अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहां पर जो रहेगा वो क्या रहेगा? म्यूचुअली डिपेंडेंट फर्म्स। बेटा यहां जो फर्म काम कर रही हैं वो कैसी हैं? एक दूसरे से म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। कभी आपने सोचा है एक चीज क्या कि जितनी मोबाइल कंपनियां हैं इन सबके प्लान लगभग सेम लेवल पे क्यों होते हैं? अगर 3 महीने के प्लान की बात करें, पहले जो अभी 719 रुपए का जियो का चल रहा है, एयरटेल का भी कुछ इसी रेट में चल रहा है, 5-10 रुपए के मार्जिन को आप इग्नोर करते चलिएगा, है ना, सेम लेवल। अभी बीच में तो क्या था, वो 499 का रिचार्ज होता था, सभी 3 महीने में दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज करने पर मार्केट कॉम्पिटिशन में इफेक्ट पड़ेगा और कस्टमर स्विच होने लगेगा, इसीलिए ये सभी कंपनी क्या है, चोर चोर मोसेरे भाई, ये सभी आपस में कार्टल साइन कर लेते हैं एक, और उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी प्राइस रिड्यूस करने वाली है फ्यूचर में तो वो पहले अपनी सभी राइवल कंपनीज को ये नोटिस दे देगी कि हम प्राइस ड्रॉप करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, और अगर वहां पर सहमति बनी तो प्राइस ड्रॉप होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब जितनी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, पेप्सी है, कोक है, इन दो को लेके चलते हैं, बेटा सबकी 15 रुपए की कांच की बोतल आती है, 2 लीटर वाली 95-99 की आती है, सेम रेट है या नहीं? पर अगर पेप्सी कहे कि हम अपने रेट बढ़ा रहे हैं तो कोका कोला कहे भाई बढ़ाओ, शौक से बढ़ाओ, हमारा फायदा। जो कस्टमर पहले पेप्सी खरीद रहा था अब वो कोका कोला खरीद रहा था वो पेप्सी खरीदेगा क्योंकि कोका कोला अपने रेट बढ़ा रहा है या नहीं? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कोई भी कंपनी बिना दूसरे से सलाह मशवरा किए प्राइस में छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहता है मेरे बच्चे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है यहां, बैरियर टू एंट्री है। क्या है बेटा? बैरियर टू एंटर। क्यों बेटा? आपके मन में आया आप कंपनी में जा सकते हैं, इस टाइप की मार्केट में भी जा सकते हैं और सर्वाइव भी कर सकते हैं, करके भी दिखा, भी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, लेकिन डोमिनेंट नेचर के होने के कारण हर किसी के पास इतना कुशन नहीं होता है कि वो दूसरी फर्म से कट थ्रोट कॉम्पिटिशन प्राइस वॉर में सर्वाइव कर पाए। क्लियर है? और आपको ऐसा एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे और कंपनियों को कट थ्रेट कॉम्पिटिशन के कारण एक्वायर करा गया है। क्लियर है मेरे बच्चे? अगर हम दूसरे के बाद चौथे पॉइंट पे इस पे आए तो बेटा इसमें रहती है प्राइस रिजिडिटी। मतलब कि आप प्रोडक्ट एक खरीदो या प्रोडक्ट 1000 खरीदो, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। आप दुकान वाले के पास जाइए और उससे कहिए भैया एक जियो का रिचार्ज कर दो, वो कहेगा भैया 719 रुपये का है 3 महीने का 1.5 GB डेटा के साथ। आप कहो भैया घर के 15 लोग हैं, 15 के 15 एक साथ कराने हैं,
वो कहेगा 719 से एक रुपया कम नहीं होगा। हाँ भले ही हम 720 ले लें पर रिचार्ज, लेकिन 19 से कम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस रिजिडिटी है। आप चाहे सामान एक खरीदो या एक लाख यूनिट खरीदो, प्राइस में कोई भी इम्पैक्ट या चेंज नहीं आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? डाउट है? बढ़ें और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट हमसे कहता है नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब इस मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो प्राइस फैक्टर को छोड़ के किया जाता है। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी कभी भी कंपटीशन का मार्जिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, कार्टल साइन कर रखा। तो क्या कंपटीशन का कारण बनेगा? अदर फैक्टर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर, न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस इन एनी न्यू प्रोडक्ट। क्लियर है बात? वो मार्जिन क्रिएट करेंगे कस्टमर के माइंड में कि वो उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी पर स्विच हो जाए। डाउट है बच्चा? ये पांच पॉइंट है ओलिगोपोली में जिनको आपको मेरी सलाह में याद करना चाहिए। क्लियर है? आपकी बुक में आपको और बहुत मिलेंगे, लेकिन बेसिक ये पांच पॉइंट है जो आप कभी भूलोगे भी नहीं और सबसे रिलेटेड भी है। हाँ बच्चे, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल में कौन सी मार्केट या कौन सी ऐसी वो है जिसको लिया जा सकता है। तो देखिए, आप एग्जाम्पल में अगर समझें तो मेरी राय में आप लीजिए टेलीफोन इंडस्ट्री को। बेटा, इस समय इंडिया में कौन कौन से कंपनी हैं जो आपको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? नाम लिए जाए, गिने चुने। जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन एंड आइडिया जो मर्ज हो गया, और बीएसएनएल। क्या इसके अलावा और कोई कंपनी है? मेरी सलाह में तो मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर आपकी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमको कि हाँ ये कंपनी भाई हमारे क्षेत्र में सर्विस दे रही है। अब एक बात समझो बच्चे, अभी हम जियो को इग्नोर करते हैं, ठीक है? ये न्यू एंट्रेंट रहा है मार्केट में, हमें ये सभी को पता है। लेकिन अगर हम इससे पहले समझें और कौन कौन सी थी, तो मेरे पास भाई एक था एयरसेल, था या नहीं था? मेरे पास एक था हच, पहले चलता था या नहीं चलता था? मेरे पास था एक डोकोमो, था या नहीं था? एक मेरे पास था यूनिनॉर, जो बाद में टेलीनॉर हो गया था शायद, है ना? अब एक बात समझिए, ये कंपनियां आई लेकिन कहां चली गई? तो बेटा यूनिनॉर, एयरसेल, इन सब को कैसे मारा गया? कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के खातिर। क्लियर है? इन ओल्ड कंपनीज ने इनके खिलाफ ऐसा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन क्रिएट कर लिया कि हच को बिक के होना पड़ा वोडा, हाँ या ना? और अब आइडिया भी इसी में डूब के ये लोग सोच रहे हैं कि इनकी नैया कहीं से पार हो जाए, तो वोडा और आइडिया ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर करा और अब ये बन गया वीआई। क्लियर है? लेकिन देखिए, जहां ये नहीं सर्वाइव कर पाई वहां एक कंपनी आई जियो जो सर्वाइव कर गई। क्यों? क्योंकि इसके पीछे थे मोटाबा, कौन? अंबानी जी। उनके पास बेटा इतने वेंचर चल रहे हैं बिजनेस में कि अगर एक बिजनेस से उन्हें कुछ लॉस झेलना भी पड़ेगा तो वो हंसते हंसते झेल जाएंगे। यहाँ पर भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की बात थी, लेकिन यहाँ न्यू इंटेंट ने पुरानी कंपनियों को कंपटीशन दे दिया। क्यों? जब ये आई तो इसने अनलिमिटेड डेटा दिया। वो जियो के फ़ोन में अनलिमिटेड मोबाइल डेटा मिलता था, फिर वो 4 GB की लिमिट पे आया, फिर वो 1.5 GB पे आया। क्यों करना पड़ा उसको? क्योंकि वो इसने इनके लिए भाई साहब मार्केट डुबो दी थी। अगर आप जियो के यूज़र्स की बात करें तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे? क्यों बढ़ते जा रहे हैं मेरे बच्चे? क्यों? क्योंकि उस समय जब वो आया उसने एक तो सबको फ्री की लत लगाई, साल डेढ़ साल उसने फ्री का मोबाइल डेटा दिया। एक समय था जब हम लोग व्हाट्सएप का मैसेज आने के बाद बंद कर देते थे और कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करते, क्योंकि 1 GB में हम लोग महीना गुजारते थे। हम लोग पर मिनट हाई क्वालिटी में 2-4 GB का आराम से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, है या नहीं? मूवियाँ डाउनलोड हो रही हैं, वो अभी 1080 पिक्सल पे। ये किसकी बदौलत हुआ? जियो की। और जियो ने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर एक नंबर हमारा साल डेढ़ साल चल जाए तो वो इतने लोगों में बढ़ जाता है कि हम उस नंबर को बंद करना प्रेफर नहीं करते। यहीं पर जियो ने बेनिफिट उठाया। क्या? कि उसने कहा पहले लत लगा दो, अंग्रेजों की तरह, जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों को चाय की लत लगाई, वैसे जियो ने कहा कि इनको सबको मोबाइल डेटा और इंटरनेट की लत लगा दो। हम लोगों को यूट्यूब स्ट्रीमिंग की आदत हो गई, इंस्टाग्राम, इन सब की हैबिट बन गई। और फिर उसने धीरे धीरे चार्जेस इंट्रोड्यूस किए और अब वो कमा भी रहा है और सर्वाइव भी कर रहा है और बाकियों को कंपटीशन दे रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था ओलिगोपोली मार्केट का। बेटा, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या टाइप ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। बेटा, ओलिगोपोली मार्केट की एक है डुओपोली। क्या है?
डुओपोली क्या है, जहां सिर्फ दो ही कंपनियां एक इंडस्ट्री में डील कर रही हैं, वो मेरी कहलाती है डुओपोली। उसके बाद आता है बेटा एक कोलोसिव एंड नॉन कोलोसिव। बेटा जो कंपनियां एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके काम कर रही हैं वह कहलाएगी कोलोसिव, और जो कंपनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो प्राइस का डिसीजन, सारे डिसीजन खुद ले रही है, और वो कहलाएगी नॉन कोलोसिव ओलिगोपोली। क्लियर है मेरे बच्चे? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आप इसके प्राइस कर्व या डिमांड कर्व की बात करनी चाहें तो परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू ARMR मैंने अलग बताया हुआ है, इम्परफेक्ट का रेवेन्यू कर्व मैंने आपको अलग बताया हुआ है, हाँ या ना? कैसे इन तीनों ही सभी मार्केट में परफेक्ट और इम्परफेक्ट में रेवेन्यू चलता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डाउट है बच्चा? और हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। और बेटा अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केट के इक्विलिब्रियम को। हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में कहां पर स्टैंड करती है। क्लियर है? और कैसे इक्विलिब्रियम मार्केट का अचीव किया जा सकता है या शिफ्ट किया जा सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बेटा अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो भाई दबा दो लाइक का बटन यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे मन लगेगा मेहनत करने में, है या नहीं? दिन में दो दो बार वीडियो शूट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, और जल्दी मैं ट्राई करने वाला हूं कि शायद इसी चैनल पे मैं आपको बिजनेस स्टडीज की भी क्लासेस रेगुलरली प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चे अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते रहें तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कहीं कोचिंग वगैरह में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरा कोर्स। बेटा एक मोटिव ही ये लेके आया हूँ यहाँ सर्व शिक्षा अभियान के तहत, कि जो बच्चे डिजर्विंग है, पढ़ना चाहते हैं, और स्कूल वगैरह में तो देखो कॉमर्स की क्या हालत है वो हमें भी पता है, आप भी जानते हैं, लेकिन सब कोचिंग बाजी का खेल चल रहा है। लेकिन जो सही में डिजर्विंग है और वो उन जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी कोचिंग है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक इकोनॉमिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना चाहता हूँ। बेटा एक मिशन माइंड में लेके उतरा हूँ कि हर किसी को इकोनॉमिक्स से मोहब्बत करा दूंगा, इस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने हार्डली 10 से 15 दिनों में कवर अप कर ली है। आखिरी चैप्टर पे हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो बच्चा जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को फैला दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।